हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो 50,000 रुपीज़ के आसपास बहुत सारे लोग आते हैं और लैपटॉप ढूंढते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड ऑफिस वाले जो लोग होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। 50,000 एक काफ़ी डिसेंट बजट है जहाँ आपको एक अच्छा खासा लैपटॉप मिल जाता है। एंड मेनली यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स मिलते हैं या तो वो पढ़ाई के पर्पज़ के लिए मिलते हैं या तो ऑफिस वर्क के लिए मिलते हैं। गेमिंग लैपटॉप्स मोस्टली नहीं आते, बट हाँ, इन लैपटॉप्स में आप थोड़ी बहुत गेमिंग कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा, जितने भी लैपटॉप्स बताऊँगा उन सभी में विंडोज़ वाले प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स वगैरह आपको नहीं मिल रहा है इनमें। अगर आपको लिनक्स वाला चाहिए तो आपको सेपरेटली कमेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ऑलमोस्ट सारे ही डिस्प्ले 45% NTSC के साथ आते हैं। एक या दो जो लैपटॉप्स हैं जिनमें नहीं है 45% NTSC, बेटर वाले डिस्प्ले हैं, वो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो में। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लैपटॉप्स हैं उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, कभी किसकी प्राइस बढ़ती है कभी कम होती है। सो मैंने सारे लैपटॉप्स के डिटेल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। सो आप चेक करते रहना, आपको जब भी लगे कि हाँ प्राइस आपके हिसाब से ठीक है आप खरीद लेना, ठीक है। सो इस प्राइस ब्रैकेट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़, 8 GB रैम तो एटलीस्ट होनी चाहिए, उससे कम प्लीज़ मत लेना। दूसरी चीज़, SSD ही लेनी है आपको, उससे कम मतलब हार्ड ड्राइव आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको i5 11th gen मिल जाएगा, i5 10th gen भी मिल जाएगा। सो आप मोस्टली i5 11th gen ही लेना। एंड आपको Ryzen 5 5500U वाले लैपटॉप्स भी मिल जाते हैं, जो काफ़ी कमाल के लैपटॉप्स होते हैं, क्योंकि CPU बहुत ही बढ़िया है, 6 कोर का CPU है। तो उन लैपटॉप्स को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी i3 11th gen है या फिर i5 10th gen है एंड या फिर आपको Ryzen 3 3500U मिलता है, ये सारे लैपटॉप्स को आपको अवॉइड करना है, ये सारे लैपटॉप्स को आपको कंसिडर नहीं करना है इस प्राइस ब्रैकेट में, ठीक है। सो जल्दी से आपको सारे लैपटॉप्स बताता हूँ मैं। सो सबसे पहला दोस्तों हमारे लिस्ट में जो लैपटॉप है, दिस इज़ लेनोवो आइडियापैड 3, AMD Ryzen 5 5500U के साथ आता है, ठीक है। एंड 15.6 इंचेस की फुल HD इसमें पैनल मिल जाती है आपको, लेकिन ये 45% NTSC के साथ आती है। यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मुझे मालूम है ये 45% NTSC वाली डिस्प्ले है। दूसरी चीज़, इसमें आपको 8 GB की रैम मिलती है जिसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो, एंड अपग्रेड करके आप मैक्सिमम इसमें 12 GB की रैम डलवा सकते हो, जो कि यहाँ पे मेंशन है। एंड इसमें आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। सो ये जो SSD है, क्या आप इसको अपग्रेड कर सकते हो? एक्चुअली आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, मतलब सेम स्लॉट में आप 1 TB तक की SSD डाल सकते हो, बट पुरानी वाली SSD को आपको फेंकना पड़ेगा या फिर आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इस लैपटॉप में एक्स्ट्रा स्लॉट गिवन नहीं है, सो दैट आप एक नई SSD नहीं डाल सकते, बट सेम SSD को आप रिप्लेस जरूर कर सकते हो 1 TB की SSD के साथ, ठीक है। एंड फर्दर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें 45 Wh की बैटरी है, जिसकी वजह से आपको जो बैटरी बैकअप है वो मैक्सिमम 5.5 घंटे तक की मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। एंड रैपिड चार्ज इसमें आपको मिल जाता है, मतलब फास्ट चार्जिंग को लैपटॉप सपोर्ट करता है, अप टू 80% तक ये चार्ज कर देगा 1 घंटे में। ये थी मतलब जो बेसिक डिटेल्स, एंड रैम वगैरह आप अपग्रेड कर सकते हो कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको सबसे पहली चीज़ जो अच्छी लगेगी, MS Office फ्री मिलता है, प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। दूसरी चीज़, इसमें आप जितने भी एडिटिंग वगैरह काम अगर करना चाहते हो, ठीक है, फोटोशॉप वगैरह हो गया या इलस्ट्रेटर वगैरह हो गया, ये बहुत ही अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसका जो CPU है वो दोस्तों आपको मिल जाता है Ryzen 5 5500U, जो कि एक 6 कोर का CPU है, 4 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है, एंड ये कमाल का CPU है। सो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपको बेस्ट CPU चाहिए, देन ये वो CPU है जिसके साथ आपको जाना चाहिए। जितने भी प्रोडक्टिविटी वाले टास्क होते हैं ये वो आराम से कर देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे लैपटॉप की तरफ, जो दोस्तों अगेन ये आता है लेनोवो की तरफ से, लेकिन इसमें इंटेल का प्रोसेसर है। इसमें आपको i5 11th gen मिल जाता है, 11 35G7, जो कि एक 4 कोर का CPU है, एंड इसमें 4.2 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जाती है। इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें आप अगर गेमिंग वगैरह करना चाहो थोड़ी बहुत, तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि इंटेल का प्रोसेसर है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है, जिसकी वजह से गेमिंग इसमें बेटर होती है। राइजन के इस प्राइस ब्रैकेट में जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उनकी मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेटर होती है, सो वो ओवरऑल एक बेटर CPU है। बट सिर्फ अगर गेमिंग के लिए अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए, मतलब गेमिंग एज इन प्रोडक्टिविटी तो आप करोगे लैपटॉप में, बट थोड़ी बहुत अगर आप गेमिंग करना चाहो, तो उसके लिए ये इंटेल वाले CPUs बेटर रहेंगे, क्योंकि इनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेटर रहती है। इसमें आपको 8 GB की रैम मिल जाती है, जिसको आप फर्दर ऑब्वियसली एक्सपैंड कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो, एंड 512 GB की SSD मिल जाती है। इसमें भी सेम लॉजिक है,
इसको आप रिप्लेस करा सकते हो, इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। एंड 45 वाट आवर की अगेन बैटरी मिल जाती है, जो कि 5.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। रैपिड चार्ज ये भी सपोर्ट करता है, एंड बाकी सारी स्पेसिफिकेशन सेम है जो मैं आपको प्रीवियस वाले लैपटॉप में बताई। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, ये है ASUS का VivoBook 14, 2021 का मॉडल है, Intel i5-11 3500G7K CPU के साथ आता है, जो बता चुका हूँ मैं क्या सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। लेकिन इसमें आपको एक हार्ड ड्राइव भी मिलती है, मतलब 1 TB की, एंड इसमें आपको 256 GB की SSD मिलती है, जो कि एक NVMe PCIe SSD है, फास्ट SSD है। एंड इसमें आपको दोनों चीज़ों का मज़ा मिल जाता है, मतलब हार्ड ड्राइव भी मिल गई, SSD भी मिल गई। रैम इसमें आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो, और जो स्टोरेज है उसको आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है ये। एंड इसमें भी आपको ऑफिस फ्री मिलता है, लेकिन इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं है। पिछले जो दो लैपटॉप्स बताए मैंने लेनोवो के, उन दोनों में बैकलिट कीबोर्ड है, इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलती है। इसमें बाकी बता दो तो 37 वाट आवर की बैटरी है, जिसकी वजह से आपको ऑलमोस्ट 4.5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी, उससे ज़्यादा ये नहीं चलने वाला, मतलब कंटिन्यूस यूज़ में, ठीक है। एंड बैकलिट कीबोर्ड नहीं है तो ज़्यादा बैटरी तो ये चूसेगा नहीं, बट स्टिल यही बताना चाहूँगा कि 37 वाट आवर की बैटरी है, 45 वाट आवर की बैटरी नहीं है। एंड इसमें आपको बता दूँ Iris Xe ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जो सेम ग्राफिक कार्ड है जो आपको लेनोवो के इंटेल वाले वेरियंट में मिलता है, तो इसमें भी आप गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हो। एंड इसकी जो डिस्प्ले वो भी सेम फुल HD पैनल है, एंड 45% NTSC के साथ आती है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों, यह है MI नोटबुक प्रो, ठीक है। ये बेसिकली आप देख सकते हैं 53,990 लिखा गया, बट अगर आपके पास ICICI कार्ड है, मतलब क्रेडिट कार्ड है ICICI का, तो आपको 1500 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड 50,000 रुपये के आसपास में आ जाता है। मैं इस लैपटॉप को क्यों चुन रहा हूँ उसका रीज़न बता देता हूँ। मेटालिक बॉडी मिलती है आपको, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया है, बेस्ट डिस्प्ले है, क्वाड HD प्लस पैनल है, एंड 45% NTSC नहीं, इसमें आपको 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिलता है, जो बेस्ट डिस्प्ले है, प्लस IPS पैनल है। एंड इसमें आपको i5-11 Gen जो मिलता है, 11-300H वाला मिलता है। पहले जितने भी मैंने आपको लैपटॉप बताए इंटेल वाले, उनमें आपको G सीरीज़ का CPU मिलता है या तो U सीरीज़ का मिल जाएगा, ये H सीरीज़ का है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा CPU होता है। 4 कोर का ही CPU है, बट इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। फर्दर इसमें 8 GB का रैम है, 512 GB की इसमें SSD है, दोनों को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी SSD की स्पीड काफ़ी बढ़िया है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, Iris Xe ग्राफिक्स है, मतलब आप थोड़ी बहुत गेमिंग आराम से कर सकते हो, GTA 5 वगैरह, Valorant वगैरह खेल सकते हो। MS Office आपको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, प्लस आपको एक और चीज़ बता दूं, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। ओवरऑल ये बहुत ही उमदा लैपटॉप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, प्लस MI की आफ्टर सेल सर्विस भी ठीक है इंडिया में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि HP जितनी अच्छी है, बट MI की आफ्टर सेल सर्विस लैपटॉप के मामले में काफ़ी बढ़िया है। फर्दर आपको बता देता हूँ, अगला लैपटॉप जो आता है हमारा यहाँ HP की तरफ से, ये Ryzen 5 5800U के CPU के साथ आता है। इसमें यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड मैंशन है, बट मैंने पता लगा इसमें बैकलिट कीबोर्ड नहीं आती है, सो इस चीज़ को आप ध्यान में जरूर रखना, वरना 5500U वाला जो CPU है बहुत ही तगड़ा है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 8 GB की रैम है, 512 GB की इसमें SSD है। रैम को आप डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो, SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो, इसमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट है तो आप उसमें यूज़ करके SSD को अपग्रेड कर सकते हो। बेसिक जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, रेडियन ग्राफिक्स, वो आपको मिल जाते हैं, सो गेमिंग चल जाएगी, बट इंटेल वाला लैपटॉप आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा गेमिंग में इस प्राइस पैकेट में। 14 इंचेस का इसमें फुल HD IPS पैनल है, लेकिन 45% NTSC के साथ आता है। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अगेन वही 4.5 से 5 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी ये लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि HP की ब्रांड मिल जाती है आपको, वरना बाकी सारे फीचर्स आपको पुराने जो लेनोवो वाला लैपटॉप था उसमें बताया, उसमें भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल लैपटॉप के बारे में, जो आता है Realme की तरफ से, Realme Book Slim। एंड ये इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड i5-11 Gen है, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। 8 GB की रैम है, 512 GB की इसमें SSD मिल जाती है, दोनों आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड इसमें जो 11 Gen है वो 11 3500G7 है, जो कि 4 कोर का CPU है, एंड ये बेसिकली आपको 4.2 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड प्रोवाइड कर देगा। इसमें आपको MS Office मिल जाता है, एंड बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। इसका डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया है, मतलब 2K डिस्प्ले है, एंड 100% NTSC के साथ आता है। 400 nits की इसमें आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, एंड मैं बेसिकली ये बताना चाहूँगा, इसका डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है इस प्राइस ब्रैकेट में। MI वाला और ये वाला लैपटॉप, दोनों की कमाल की डिस्प्ले है। एक चीज़ लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ,
कि ये जो रियलमी का लैपटॉप है इसकी आफ्टर सेल सर्विस का भरोसा मुझे नहीं है। ठीक है, मतलब ऑन पेपर ये बढ़िया लैपटॉप है, चलेगा काफ़ी अच्छा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर गलती से लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो शायद आपको आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी ना मिले। बाकी इसमें आप गेमिंग डेफिनेटली कर सकते हो, आईरिस एक्सी ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसमें आपको, जिसमें GTA 5 वगैरह, वेलोरेंट वगैरह आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड ओवरऑल लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है, मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलने वाली है, बट वही आफ्टर सेल सर्विस का आप ध्यान जरूर रखना, एक बार चेक कर लेना खरीदने से पहले कि आपकी सिटी में रियलमी की सर्विस कैसी है। अगर अच्छी है देन इस लैपटॉप को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लैपटॉप है। ठीक है, सो दोस्तों यही थे कुछ लैपटॉप्स, मैंने आपको 6 लैपटॉप्स बताए जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनमें 2 लैपटॉप्स हैं, एक HP का है ठीक है और एक दूसरा है दोस्तों यहाँ पे Asus का। इन दोनों लैपटॉप्स में एक कमी मेरे को ये लगी कि इन दोनों में आपको बैकलिट कीबोर्ड नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों लैपटॉप्स बढ़िया हैं। एंड मेरे को अगर कुछ चुनना पड़े लैपटॉप तो मैं चुनूंगा यहाँ पे जो Lenovo का जो Ryzen 5 5500U CPU के साथ आता है, क्योंकि मुझे प्रोडक्टिविटी वाले काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से मुझे एक CPU तगड़ा चाहिए। बाकी उसमें बैकलिट कीबोर्ड है, 45% NTSC है डिस्प्ले, बट मैं काम चला लूँगा। दूसरा अगर लैपटॉप लूँगा तो मैं फिर MI वाला लूँगा, क्योंकि इसमें मैं गेमिंग भी कर सकता हूँ, डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, सो एडिटिंग में आपको कलर्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्यूरेट कलर्स मिलने वाले हैं, सो उस मामले में वो लैपटॉप बेटर हो जाता है। ठीक है, प्लस उसमें मेटल बॉडी भी है, सो इस चीज़ का भी उसमें फ़ायदा मिलता है। सो दोस्तों ये थे कुछ लैपटॉप्स, मैंने आपको सारे लैपटॉप्स बता दिए जो मुझे पसंद है 50,000 रुपये में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लैपटॉप हैं सारे के सारे, मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, आप चुन लो इनमें से आपको कौन सा ले पसंद है। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। एंड बाय द वे एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें जितने भी लैपटॉप्स बताए सभी में विंडोज 11 में ये आराम से मतलब अपग्रेड हो जाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, सो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फर्दर अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आपको कोई भी लैपटॉप की सजेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूंगा। प्लीज़ नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं मिलता हूँ आपको फर्दर अगले वीडियो में। एंटिल देन, ओवर एंड आउट।